हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, डीजे सर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम बात कर रहे थे राजस्थान के इतिहास की। राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे चौहान वंश, चौहान कोटा का राजवंश, यानी कोटा का चौहान की बात कर रहे थे। प्यारे दोस्तों, कोटा के चौहान वंश के बारे में चर्चाएं कर रहे थे। कोटा के चौहान वंश में हमने काफी कुछ पढ़ लिया था और काफी कुछ राम सिंह का जिक्र कर लिया था। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं प्यारे दोस्तों, कोटा का महाराव भीम, महा राव महाराव भीम सिंह। और महाराव भीम सिंह का जो शासन काल माना जाता है प्यारे दोस्तों, 1707 से लेकर 1720 तक। कहां से 1707 से लेकर 1720 तक माना जाता है, 1707 से लेकर 1720 तक इनका शासन काल माना जाता है। और इनके शासन काल के बारे में कहा जाता है प्यारे दोस्तों, फर्रुख शेर ने, मुगल बादशाह फर्रुख शेर इनके समकालीन हुआ करता था। समकालीन मुगल बादशाह फर्रुख शेर इनके समकालीन हुआ करता था। और इनके समकालीन कहा जाता है कि इनको फर्रुख शेर ने कौन सी गागरोट की जागीर दी, कौन सी जागीर दी थी इनको फर्रुख शेर ने, मुगल बादशाह कौन, मुगल बादशाह, मुगल बादशाह फर्रुख शेर, फर्रुख शेर, मुगल बादशाह फर्रुख शेर ने इन्हें 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 गागरोन, गागरोन की जागीर दी। कौन सी जागीर दी, जागीर दी थी, किसकी जागीर दी थी भाई, गागरोन की जागीर दी थी। और गागरोन की जागीर देने के पश्चात अर्थात यहाँ जो तो गागरोन का प्रशासक कहे या गागरोन का रक्षक कहे, किसको बनाया था, कोटा के राजशासक को बनाया था भाई, भीम सिंह को बना दिया था। इसी के समय कहा जाता है कि बूंदी का जो एक शासक हुआ था बुद्ध सिंह, बूंदी का बुद्ध सिंह था। और बूंदी का बुद्ध सिंह का उस समय कहा जाता है कि दिल्ली का शासक बन गया था बहादुर शाह, कौन बन गया था, बहादुर शाह। और बहादुर शाह इसके पश्चात शासक बन जाता है, कौन बन जाता है भाई, बहादुर शाह शासक बन जाता है। बहादुर शाह किसके ऊपर कहा जाता है कि बुद्ध सिंह को आदेश देता है, आक्रमण करने का आदेश देता है, किसका, बुद्ध सिंह के आक्रमण के आदेश के अनुसार कहा जाता है, बुद्ध सिंह के अर्थात बहादुर शाह के आदेश के अनुसार, किसकी बात करें, बहादुर शाह आदेश देता है बुद्धि के बुद्ध सिंह को किसके ऊपर आक्रमण करने के लिए, कोटा के ऊपर आक्रमण करने के लिए, किसके ऊपर आक्रमण करने के लिए भाई, कोटा के ऊपर आक्रमण करने के लिए आदेश देता है किसको, बुद्ध सिंह को। ध्यान से समझना प्यारे दोस्तों, यहां पर मुगल बादशाह कौन है, मुगल बादशाह की बात करें, मुगल बादशाह, बादशाह क्या, मुगल बादशाह क्या। और मुगल बादशाह किसकी बात करें, बहादुर शाह की बात करें प्यारे दोस्तों, किसकी बात करें भाई, बहादुर शाह, बहादुर शाह। और बहादुर शाह कहा जाता है समय कौन था, बहादुर शाह। और इस समय बूंदी का शासक क्या, बूंदी, बूंदी, बूंदी का शासक कौन था, पक्ष बुद्ध सिंह, कौन था भाई, बुद्ध सिंह, बुद्ध सिंह कौन था भाई, बुद्ध सिंह बूंदी का शासक था। और बुद्ध सिंह यहां पर कोटा की बात करें, कोटा, और कोटा का शासक था भीम सिंह, कौन था, भीम सिंह, कौन था भाई, भीम सिंह कोटा का शासक। यहां पर बुद्ध सिंह को आदेश देता है कौन, आक्रमण करने के लिए, किसके लिए आक्रमण करने के लिए, किसके आक्रमण करने का आदेश देता है, आक्रमण का आदेश देता है कौन, किसके ऊपर, कोटा के ऊपर आक्रमण करने का आदेश देता है कौन, बुद्ध सिंह को, कौन, बहादुर शाह आदेश देता है। और आदेश देने के पश्चात प्यारे दोस्तों क्या कंडीशन होती है कि इस युद्ध में कहा जाता है दोनों सेनाओं के बीच में 1713 में, कब की बात करें प्यारे दोस्तों, 1713 में आक्रमण होता है, किसके बीच कब होता है, यहां पर आक्रमण कर देता है, क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है बूंदी का बुद्ध सिंह, किसके आदेश पर, आक्रमण का आदेश देता है कौन, आदेश देता है, आक्रमण का आदेश देता है कौन, बुद्ध सिंह को, कौन, बहादुर शाह के द्वारा आदेश दिया जाता है बूंदी पर अधिकार करने के लिए। कहा जाता है कि यहां पर आक्रमण करता है 1713 में, कब करता है भाई, 1713 में दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध होता है, किस किस के बीच भाई ये युद्ध होता है, किस किस के बीच, ये कोटा का शासक बुद्ध सिंह, कौन, बुद्ध सिंह, सॉरी बूंदी का शासक बुद्ध सिंह, बुद्ध सिंह वर्सेज
बुद्ध सिंह वर्सेज कोटा का शासक भीम सिंह, कौन भाई? भीम सिंह, कौन है? भीम सिंह। इनके बीच में युद्ध होता है, किसके बीच में युद्ध होता है? इन दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध होता है, और इन दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध होने के पश्चात प्यारे दोस्तों यहां पर विजय किसकी होती है? यहां पर विजय हो जाती है किसकी? बुद्ध सिंह की विजय हो जाती है। कौन विजय हो जाता है यहां पर? बुद्ध सिंह विजय हो जाता है इस युद्ध में कहा जाता है। और बुद्ध सिंह की विजय हो जाने के पश्चात कहा जाता है बूनी बूंदी को अपने अधीन कर लेता है, ठीक है, बूंदी को अपने अधीन कर लेता है। बूंदी पर क्या कर लेता है? ये अधिकार कर लेता है। बूंदी पर क्या कर लेता है? बूंदी पर अधिकार कर लेता है। क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। कौन? बुद्ध सिंह, सॉरी भीम सिंह। कौन कर लेता है? भीम सिंह, भीम सिंह बूंदी के ऊपर अधिकार कर लेता है। भीम सिंह अधिकार कर लेता है। अधिकार कर लेने के पश्चात अब किसका अधिकार हो जाता है भी? अब कहा जाता है कि यह 1715 में बूंदी के अधिकार कर लेता है, ठीक है। इसके पश्चात बात करें, वापस कहा जाता है बूंदी का शासक को, बूंदी को प्राप्त करने के लिए फिर युद्ध करता है, आक्रमण होता है, और आक्रमण होने के पश्चात कहा जाता है कि 1517 के आसपास पुनः बूंदी पर अधिकार कर लिया जाता है, और पूर्णतया अधिकार 1719 में कर लिया जाता है। तो बूंदी पर किसका अधिकार हो जाता है? वापस बूंदी के शासकों का अधिकार हो जाता है, वापस अधिकार हो जाता है बुद्ध सिंह का। और बुद्ध सिंह का अधिकार हो जाने के पश्चात अब ये कोटा की अधिकता से अधीन से छूट जाता है। बाद में क्या होता है प्यारे दोस्तों? कहा जाता है कि ये वृंदावन होते हुए कोटा लौट रहा था। कौन लौट रहा था भाई? भीम। वृंदावन होते हुए कोटा लौट रहा था, और कोटा लौटते समय कहा जाता है कि वृंदावन में कहा जाता है कि वैराग्य हो गया इसको, यानी कि ये एक वैरागी से मिला, और यहाँ पर कुछ साधु संन्यासी से मिलता है, और मिलने के पश्चात इसको वैराग्य या वैराग्य की ओर प्रस्थान कर जाता है। और वैराग्य की ओर प्रस्थान कर जाने के पश्चात कहा जाता है कि ये कोटा का नाम बदल कर अपने आप का नाम बदल देता है, कृष्णदास कर लेता है। क्या कर लेता है? वहां पर ऐसा माहौल देखा भक्ति का, ऐसा कृष्ण भक्ति का ऐसा माहौल देखा कि इसे वैराग्य प्राप्त हो जाता है, वैराग्य में ये लीन हो जाता है, और अपना नाम बदल कर क्या कर लेता है? कृष्णदास कर लेता है। कौन? अब भीम सिंह का नाम बदलकर कृष्णदास कर लिया। कृष्णदास करने के पश्चात कोटा का नाम बदलकर नंदग्राम कर देता है। क्या कर देता है? कोटा का नाम बदलकर नंदग्राम कर देता है, या नंदग्राम कर देता है प्यारे दोस्तों, कहा जाता है। और जो शेरगढ़ दुर्ग था, शेरगढ़ का नाम बदलकर जो शेरबहारों में आता है प्यारे दोस्तों, उसका नाम बरसाना कर देता। क्या कर देता है? शेरगढ़ का नाम बदलकर बरसाना कर देता है। ये कौन करता है? भीम सिंह के द्वारा किया जाता है। भीम सिंह के द्वारा ये कार्य किया। तो विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको, कोटा से होते हुए निकलकर आ रहा था ये, तो अपना वैराग्य को प्राप्त हो जाता है, और कहा जाता है अपने नाम सिंह, कोटा का शासक भीम सिंह के द्वारा अपने राज्य में एक टकसाल की स्थापना कराई जाती है। और टकसाल की स्थापना करने के पश्चात यहाँ पर अपने नाम के सिक्के डलवाता है। क्या करता है भाई? अपने नाम के सिक्के डलवाता है। कौन? भीम। अपने नाम के सिक्के डलवाने के पश्चात यहाँ पर सिक्के चलने लग जाते हैं, और साई सेना को कहा जाता है कि इसके पश्चात बात करें प्यारे दोस्तों, ये साई सेना के साथ 1720 में पंडार के आक्रमण करता है। पंडार के युद्ध में निजामुद्दीन से आक्रमण करता हुआ, सॉरी निजाम उल मुल्क के साथ आक्रमण करते हुए कहा जाता है ये वीरगति को प्राप्त हो जाता है। निजामुल मुल्क के साथ आक्रमण करते हुए कब? 1720 में दोनों सेनाओं के युद्ध, पंडार का युद्ध होता है, और पंडार का युद्ध होने के पश्चात कहा जाता है कि वीरगति प्राप्त हो जाता है। कौन? भी तो देखिएगा प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्या क्या जानकारियां हमें मिलती है लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होता है। एक तो क्या करता है ये वृंदावन से लौटते समय, या भीम सिंह वृंदावन में कृष्ण भक्ति में लीन हो जाता है। कृष्ण भक्ति में लीन हो जाने के पश्चात अपना नाम
अपना नाम कृष्णदास कर लेता है, कृष्णदास कर लेता है, क्या कर लेता है। इसके पश्चात बात करें कोटा का नाम बदलकर, कोटा का नाम नंदगांव कर देता है, नंदग्राम कर देता है। इसके पश्चात बात करें तेरगढ़ का नाम बदलकर नाम बरसाना कर देता है, बरसाना कर देता है, क्या कर देता है भाई, शेरगढ़ का नाम बदलकर बरसाना कर देता है। इसके पश्चात बात करें कि कोटा में टकसाल की स्थापना करवाता है, टकसाल की स्थापना करता है, टकसाल की स्थापना करता है और अपने नाम के सिक्के चलाता है, के नाम के सिक्के चलाता है भाई, स्वयं के नाम के यानी कि भीम सिंह अपने नाम के सिक्के चलाता है यहाँ पर। और बात करें प्यारे दोस्तों किससे संबंधित कहा जाता है कि पंडार के युद्ध में निजामुल के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाता है, पंडार के युद्ध में निजामुल मुल्क निजाम मुल्क से लड़ता हुआ 1720 में वीरगति को प्राप्त होता है निजामुल मुल्क से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त होता है भी कौन, भीम सिंह। और कहा जाता है प्यारे दोस्तों शेरगढ़ का किला है, तो शेरगढ़ का किला इसको किसको, भीम सिंह को फर्रुखसियर ने उपहार में दिया था, फर्रुखसियर ने उपहार में दिया था शेरगढ़ दुर्ग, जो कहां पर पड़ता है भाई, बारा में है, पहले बारा वाला क्षेत्र कोटा में आया करता था दोस्तों। तो शेरगढ़ का दुर्ग यहां लिख देता हूं, शेरगढ़ का दुर्ग फर्रुखसियर कौन था, मुगल बादशाह ने भीम सिंह को उपहार में दिया था, भीम सिंह को फर्रुखसियर ने कौन सा दुर्ग उपहार में दिया था, शेरगढ़ दुर्ग वर्तमान में बारा में पड़ता है प्यारे दोस्तों। उस जमाने में ये कोटा रियासत में आया करता था और कोटा रियासत में के कारण कहा जाता है कि ये इसको उपहार स्वरूप किया जाता है प्यारे दोस्तों। अब बात करते हैं इसके पश्चात जो शासक बनता है उसकी बात करते हैं। इसके बाद जो शासक बनता है दुर्जनसाल कौन बनता है भाई, दुर्जनसाल शासक बनता है। इसके बात करें दुर्जनसाल शासक बनता है कहाँ का, कोटा के दुर्जनसाल खाड़ा की बात करें तो कहा जाता है पर दोस्तों इसका जो जीवन काल माना जाता है या शासन काल की बात करें, बीच में भी एक छोटा सा शासक आ जाता है, बाद कहा जाता है कि 1723 तक शासक बनता है और 1723 शासक बन जाता है, 1723 से लेकर 1755 तक कौन, दुर्जनसाल।
बात करें, सुर्जन साल की बात करें, चल साल हाड़ा, सुर्जन साल हाड़ा, यहाँ के सारे शासक हाड़ा है भाई, 1723 से लेकर 1756 तक शासन कर, 56 तक शासन करता है, कौन करता है, दुर्जन साल 1723 से लेकर 1756 तक शासन। देखिएगा क्या क्या जानकारियां मिलती है, दुर्जन साल के समय की बात करें तो दुर्जन साल के प्रमुख सरदार और दीवान जाला हिम्मत सिंह हुआ करता था, इसका प्रमुख दीवान था या फिर दीवान या इसका जो प्रमुख सेनापति हिम्मत सिंह था, हिम्मत सिंह बहुत अच्छा धुआंधार व्यक्ति था भाई, इतना खतरनाक व्यक्ति था जो आगे चलकर इसके चर्चे सुनेंगे भाई। 1747 में कोटा व उदयपुर की संयुक्त सेना का युद्ध होता है और किससे होता है, जयपुर की सेना से, ठीक है, और जिसे कहा जाता है राजमहल यानी कि टोंक राजमहल का युद्ध कहा जाता है, तो 1747 में दोनों के युद्ध होता है, कौन सा, राजमहल टोंक का युद्ध, किसकी बात करें, 1747 का राजमहल, राजमहल का किस किस के मध्य होता है, राजमहल का युद्ध की बात करें, यहां पर कोटा और उदयपुर वर्सेज, यहां पर कौन है प्यारे दोस्तों, जयपुर, कोटा और उदयपुर की संयुक्त सेना ने किसके ऊपर आक्रमण किया भाई, सेना ने, संयुक्त सेना ने, कहा जाता है कि जयपुर के शासक ईश्वर सिंह के ऊपर आक्रमण किया, किसके ऊपर आक्रमण किया, जयपुर के शासक ईश्वरी सिंह के ऊपर आक्रमण किया, यानी कि इस समय यहाँ का शासक कोटा का शासक तो था दुर्जन साल और जयपुर का शासक कौन था, ईश्वरी सिंह, कौन था, ईश्वरी सिंह, ईश्वरी सिंह था यहाँ का जयपुर का शासक। इन दोनों सेनाओं के बीच में भयंकर युद्ध होता है और भयंकर युद्ध होने के पश्चात यहाँ पर विजय हो जाती है किसकी, यहाँ पर विजय हो जाती है किसकी, ईश्वरी सिंह, किसकी विजय होती है भाई, इसकी विजय हो जाती है और विजय हो जाने के पश्चात क्या कंडीशन होती है, इनके बीच में संधि होती है, क्या होती है भाई, संधि होती है 1748 में, ठीक है, क्या होती है, इसमें संधि होती है 1748 में, एक संधि हो जाती है और संधि के तहत कहा जाता है यहां पर क्या कंडीशन होती है, देखिए ये प्रथम युद्ध में कौन जीत जाता है, ईश्वरी सिंह जी, ईश्वरी सिंह इस युद्ध में जीतने के पश्चात कहा जाता है कि ईसर लाट का निर्माण करवाता है, यही ईश्वरी सिंह है जो प्यारे दोस्तों इसके ऊपर मराठाओं ने कर्जा बढ़ा दिया था और मराठाओं ने कर्जा बढ़ा देने के पश्चात या कर्जा नहीं चुकाने के कारण ये आत्महत्या कर लेता है, ये इस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में ये स्वर्गासूली का निर्माण करवाता है, इसका निर्माण करवाता है जयपुर के मार्केट में स्वर्गासूली या ईसर लाट का निर्माण करवाता है, अपने नाम पर इसका नाम लाट रखता है और यही से कूद कर कहा जाता है अपनी तीन पत्नियों के साथ ये आत्महत्या कर लेता है, ये जयपुर का पहला शासक माना जाता है जो आत्महत्या कर लेता है कर्जा नहीं चुकाने के कारण, यही ईश्वरी सिंह। इसके पश्चात बात करें तो एक और युद्ध जो भटवाड़ा का युद्ध है, कौन सा युद्ध होता है, यहां पर कौन, इसके बाद ये संधि कर लेता है, संधि कर लेने के पश्चात दूसरा जो युद्ध की बात करें तो भटवाड़ा का युद्ध, कौन सा युद्ध, भटवाड़ा का युद्ध 1760 में होता है, कौन सा युद्ध की बात करें, भटवाड़ा का युद्ध, भटवाड़ा का युद्ध, और भटवाड़ा का युद्ध होता है 1760 में होता है, कब होता है भाई 1760 में, ये वर्तमान में कहां पड़ता है, ये बारा जिले में, कहां पर पड़ता है भटवाड़ा, बारा जिले में पड़ता है वर्तमान में, कहां पड़ता है भटवाड़ा, मांगरोड के पास बारा जिले में पड़ता है। क्या कंडीशन होती है, यहां पर कोटा का शासक शत्रु साल किस किसके बीच होता है, कोटा का शासक शत्रु साल, ठीक है, और दूसरी बात करें तो सवाई माधो सिंह के सी बीच, ठीक है, तो यहां पर देखिए भटवाड़ा का युद्ध, यहां पर जो इसके बाद जो शासक बन जाता है भाई, इसके बाद जो शासक बन जाता है ये शत्रु साल, किसकी बात करें, शत्रु साल की बात, है ना, शत्रु साल शासक बन जाता है और शत्रु साल यहां पर शासक बन जाता है, और शत्रु साल की बात करें तो प्यारे दोस्तों कहा जाता है कि यहां पर शत्रु साल चौहान शासक बन जाता है कोटा का, और ये भटवाड़ा का युद्ध है शत्रु साल के टाइम पर ही होता है, और कब की बात करें प्यारे दोस्तों तो 1760 में, कब की बात करें 1760 में ये शासक बनता है, और सॉरी
ये युद्ध होता है, एक तरफ तो कोटा का, कौन था शत्रुसाल, कोटा का शासक कौन, कोटा का शासक कौन शत्रुसाल, शत्रुसाल वर्सेज जहां पर के बीच युद्ध होता है, कोटा का शासक शत्रुसाल और जयपुर का शासक था माधोसिंह भाई, जयपुर का शासक था माधो सिंह, इस समय कौन बन जाता है माधो सिंह शासक बन, कौन शासक बन जाता है भाई माधो सिंह शासक बन जाता है, और माधो सिंह और शत्रुसाल के बीच में कहा जाता है कि भयंकर युद्ध होता है, और भयंकर युद्ध होने के पश्चात इस युद्ध में कहा जाता है कि शत्रुसाल विजय हो जाता है, कौन विजय हो जाता है इस युद्ध में शत्रुसाल विजय हो जाता है, कोटा का शासक शत्रुसाल की क्या होती है इस युद्ध में विजय होती है, और इस समय इसका सेनापति किसकी, इसका पूरी जीत का श्रेय इसका सेनापति था, इसका सेनापति कौन था भाई, इसका सेनापति था झाला जालिम सिंह, कौन था भाई झाला जालिम सिंह को इस विजय का जो है इस विजय का श्रेय दिया जाता है, ठीक है किसको दिया जाता है भाई झाला जालिम सिंह को, झाला जालिम सिंह को दिया जाता है, झाला जालिम सिंह को दिया जाता है जो किसका सेनापति था कोटा के शत्रुसाल का सेनापति था, इस ये बहुत भयंकर आदमी हुआ करता, बहुत खतरनाक आदमी था झाला जालिम सिंह, और कहा जाता है कि ये युद्ध क्षेत्र में जाने के पश्चात इतना खतरनाक भयंकर रूप धारण करता था कि इसके आसपास कोई नहीं था, इसी कालांतर में कहा जाता है कोटा के परकोटे का नाम जालिम कोट इसी के नाम पर रखा गया था, इसका जालिम कोट कोटा के दुर्ग के परकोटे का नाम जालिम कोट इसी के नाम पर रखा गया था, पहले झाला जालिम सिंह के बारे में कहा जाता है कि ये जीत जाता है, कौन सा युद्ध जीत जाता है भाई शत्रुसाल इस युद्ध में विजय प्राप्त कर लेता है, और विजय प्राप्त करने के पश्चात कहा जाता है कि इसके कोटा के मराठों की जो शक्ति थी उसको दमन करने के काम में लेता है, ठीक है अब कंडीशन क्या होती है शत्रुसाल विजय हो जाता है, शत्रुसाल विजय हो जाने के पश्चात इधर जो है ये पराजित होता है, कौन माधो सिंह, और माधो सिंह पराजित होने के पश्चात कहा जाता है कि यहां पर कहां पर किसके पास सवाई माधोपुर के, इनका जो युद्ध हुआ करता था क्यों होता है भाई, युद्ध होने में तो क्या होता है रणथंभौर दुर्ग को लेकर क्यों होता है, रणथंभौर दुर्ग को लेकर होता है, और माधो सिंह को कहा जाता है कि मुगल बादशाह के द्वारा दुर्ग की चाबियां दे दी जाती, क्यों इसकी दुर्ग की चाबियां देकर किसको भेज सॉरी दुर्ग दे दिया जाता है मुगल बादशाह के द्वारा किसको माधो सिंह को, लेकिन वहां जाकर देखता तो यहाँ पर ताला लगा हुआ था, ताला क्यों लगा हुआ था कि जो रणथंभौर का दुर्ग है उसके ऊपर तो किसका अधिकार है उस दुर्ग को लेकर अधिकार उस दुर्ग पर तो किसका अधिकार है भाई कोटा के शासकों का अधिकार था, और कोटा के शासकों का अधिकार होने के बावजूद कहा जाता है कि ये इस पर भाई किसने दिया कि हमें तो मुगल बादशाह ने दिया, ये आकर कहता है कि नहीं तो मुगल बादशाह है तो किसी से पूछ कर दिया, यहाँ पर तो अधिकार तो शत्रुसाल का है यानी कि कोटा वालों का है, और ये किससे पूछ कर दे दिया तेरे को, इतनी बात होने के पश्चात तो बाद में देखा जाएगा, तो इस युद्ध में कहा जाता है क्या कंडीशन होती है प्यारे दोस्तों, कंडीशन ये होती है कि दोनों के बीच में युद्ध होता है, और दोनों के बीच में युद्ध होने के पश्चात वापस कहा जाता है रणथंभौर पर किसका अधिकार हो जाता है, किसका अधिकार हो जाता है कोटा के शत्रुसाल का, पहले भी इसी का था और बाद में भी इसी का होता है। अब ये माधो सिंह यहाँ से चला जाता है, चला जाने के पश्चात सवाई माधोपुर की स्थापना करता है, इसकी स्थापना करता है सब रणथंभौर दुर्ग के पास ही सवाई माधोपुर दुर्ग नगर की स्थापना करता है, और सवाई माधोपुर बसाने का श्रेय इसी को दिया जाता है, इसको दिया जाता है माधो सिंह को दिया जाता है, हार के बाद ये माधोपुर नगर की स्थापना करता है जिसे के नाम पर सवाई माधोपुर कहा जाता है, क्या कहा जाता है सवाई माधोपुर कहा जाता है, चलिएगा तो इसका सेनापति कौन था, ये झाला जालिम सिंह था, और इसी के नाम पर कोटा के परकोटे का नाम जालिम कोट रखा गया था, ये विशेष ध्यान रखना है। इसके पश्चात जो शासक बनता है प्यारे दोस्तों महाराजा गुमान सिंह बनता है, और 1764 से लेकर 1770 तक रहता है महाराजा गुमान सिंह, महाराव गुमान सिंह, सेनापति का उस समय 17 साल के समय झाला जालिम सिंह काफी प्रभावित या
अपना वर्चस्व स्थापित करने में काफी फेमस हो गया था, या फिर अपना प्रभाव ज्यादा बढ़ा लिया था, और प्रभाव बढ़ाने के पश्चात इसको डर लग रहा था कि ये अपने क्षेत्र पर अधिकार नहीं कर। तो इसी मान्यता है कि इसने झला जालिम सिंह को यहां से निष्कासित कर दिया। किसने? कुमान सिंह ने। कुमान सिंह ने इसको निष्कासित कर दिया। किसको? झला जालिम सिंह। अब झला जालिम सिंह को निष्कासित कर देने के पश्चात ये उदयपुर चला गया। कहां चला गया भाई? उदयपुर चला गया। और उदयपुर में जाने के पश्चात कुछ समय के पश्चात जालिम सिंह ने सोचा कि जालिम सिंह के बिना कोटा का राजपाट रहा है, सैनिक व्यवस्था सही उचित नहीं चल रही है, कहा जाता है इसको वापस बुला ले। कौन? गुमान सिंह। इसको झाला जालिम सिंह उदयपुर गया था, लेकिन उदयपुर से पुनः ये वापस बुला लेता है। कहां पर? कोटा में। कोटा की रक्षा के लिए ये वापस बुला लेता है, और कोटा की रक्षा के लिए कहा जाता है कि अब इसके पश्चात कहां रहता है झाला जालिम सिंह? यही रहता है। तो यहां पर ध्यान रखना, सेनापति पति झाला जालिम सिंह और झाला जालिम सिंह झाला जालिम सिंह को जालिम सिंह को यह कोटा से निष्कासित कर देता है। कोटा से निष्कासित निष्कासित कर देता। कौन निष्कासित कर देता है? कुमान सिंह के द्वारा इसको निष्कासित कर दिया जाता है। झाला जालिम सिंह उदयपुर चला जाता है। उदयपुर चला गया। कोटा की रक्षा के लिए कुमान सिंह पुनः झाला जालिम सिंह को झाला जालिम सिंह को बुला लेता है। क्या? वापस बुला लेता है भाई। कोटा की सुरक्षा की दृष्टि से कहा जाता है कि जालिम जालिम सिंह आवश्यकता पड़ती है और लिया जाए। किसके साथ? के द्वारा? गुमान सिंह के द्वारा। चलिएगा आगे बात करते हैं कि महाराव उम्मेद सिंह जो चौहान शासक था, महाराव उम्मेद सिंह शासक बनता है। और महाराव उम्मेद सिंह की बात करें प्यारे दोस्तों, से लेकर और 1819 तक शासक बनते हैं। महाराव उम्मेद सिंह की बात करें, महाराव उम्मेद सिंह शासक बनता है 1770 से लेकर 1819 तक। काफी लंबा चौड़ा काल रहता है इसका। और ये शासक बन जाता है, उम्मेद सिंह शासक बन जाता है। शासक बनने के पश्चात क्या कंडीशन होती है प्यारे साथियों? इसके समय कोटा की सारी बागडोर झाला जालिम सिंह के हाथ में होती है। और झाला जालिम सिंह ने आमेर खां पिंडारी से मित्रता करके शेरगढ़ दुर्ग में सुरक्षित रहने का स्थान प्रदान किया। सारी की सारी बागडोर किसके हाथों में हुआ करती थी? झाला जालिम सिंह के। तो ये ध्यान रखना है, इसके समय का सेनापति पहले तो क्या था? ये सेनापति कह दे या प्रधानमंत्री कह दे, झाला जालिम सिंह। झाला जालिम सिंह, झाला जालिम सिंह, झाला जालिम सिंह इसके साम्राज्य की साम्राज्य की सारी बागडोर
साम्राज्य की सारी बागडोर थला सालिम सिंह के हाथ में थी। सालिम सिंह के हाथ में थी। हाथ में थी भी झाला जालिम सिंह के हाथ में थी। और कहा जाता है प्यारे दोस्तों कि झाला जालिम सिंह तो अमीर खां पिंडारी को से मित्रता कर लेता है। मित्रता करने के पश्चात शेरगढ़ दुर्ग, कौन सा दुर्ग? शेरगढ़ जो दुर्ग था प्यारे दोस्तों बारा में स्थित है, उसको कहा जाता है कि सुरक्षित रखने के लिए, किसको सुरक्षित रखने के लिए शेरगढ़ दुर्ग में सुरक्षित स्थान प्रदान करता है, किसको? अमीर खां पिंडारी। झाला जालिम सिंह झाला जालिम सिंह अमीर खां पिंडारी से मित्रता कर लेता है। मित्रता कर इसे तेरगढ़ दुर्ग में, तेरगढ़ दुर्ग में स्थान देता है। क्या देता है भी? रहने के लिए स्थान देता है। कौन सा दुर्ग देता है? शेरगढ़ दुर्ग देता है, अर्थात यहीं पर रहने के लिए इसको सुरक्षित कहता है। चलेगा, नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे दोस्तों। कहा जाता है कि कुछ अंग्रेजी सेना थी जो इसका नेतृत्व, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व झाला यानी कि कैप्टन मानसून कर रहा था। कौन कर रहा था? मानसून कर रहा था। और कैप्टन मानसून के नेतृत्व वाली सेना को झाला जालिम सिंह कोटा के अंदर नहीं घुसने देता। झाला जालिम सिंह कोटा के अंदर प्रवेश नहीं करने देता है। और कोटा के अंदर प्रवेश नहीं देता तो कहा जाता है प्रारंभिक अवस्था में ये करने के लिए बाध्य करते हैं। फिर बाद में जाकर कहा जाता है कि कोटा रियासत, और कोटा रियासत के द्वारा 20 दिसंबर और 26 दिसंबर 1817 को, 20 दिसंबर 1817 को अंग्रेजों से सहायक संधि, किससे सहायक संधि? अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली जाती है। किसके द्वारा? इसी के टाइम पे कोटा रियासत के। जालिम सिंह ने मार्च में यानी कि मार्च 1818 में, जालिम सिंह ने मार्च 1818 में गुप्त रूप से संधि की दो शर्तें तोड़वा दी थी। और कहा जाता है प्यारे दोस्तों क्या शर्तें हुआ करती थी? गुप्त रूप से दो शर्तें तोड़वा दी। एक तो कि झाला जालिम सिंह और उसके उत्तराधिकारी कोटा के पूर्ण अधिकार मुक्त राज्य मंत्री होंगे। क्या तो थी जो अंग्रेजों के द्वारा की गई थी पर कि शासक के अनुसार ही चलेंगे के, और उनके अनुसार ही सहायक संधियों के, सहायक संधियां की जाती थी। तो अंग्रेज शर्तें रखते थे भाई, उनको वो कहेंगे जहां पर उपस्थित होना पड़ेगा और लड़ने जाना पड़ेगा। तो इसके क्षेत्र में कहा जाता है कि वो पूर्ण रूप से अपने अधीन रखते थे और सुरक्षा दिया करते थे अंग्रेज, किनको? राजाओं को, रियासती शासक। इसके चलते हुए कहा जाता है कि दो शर्तों को तोड़ देता है। एक तो झाला जालिम सिंह, झाला जालिम सिंह उससे कहता है कि उत्तराधिकारी जो उसका उत्तराधिकारी होगा कोटा के पूर्ण रूप से जो अधिकार मुक्त है तो उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाए। अधिकार मुक्त यानी कि फ्री रहेगा, और यहाँ पर क्या अंग्रेजों का अधिकार मुक्त मंत्री बनाया जाएगा इसके उत्तराधिकारी को, किसके? झाला जालिम सिंह। एक तो ये शर्त कर देता है, रख देता है झाला जालिम सिंह। और दूसरी शर्त क्या रख देता है? महाराव उम्मेद सिंह व उसके उत्तराधिकारी कोटा के राजा माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? कोटा कोटा के राजा माने जाएंगे। ऐसी दो शर्तें रखता है अंग्रेजों के सामने के प्यारे दोस्तों उत्तराधिकारियों के लिए। इसकी बात कर रहे हैं, चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। क्या क्या जानकारी हमें जो मिलती है प्यारे दोस्तों? तो एक तो झाला जालिम सिंह कोटा की राजा तो ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों। बात करते हैं 1805 की। 1805 ईस्वी में झाला जालिम सिंह
सलीम सिंह, सलीम पूरा का पूरा अधिकार इसी के हाथ में था, नाम मात्र का शासक हुआ करता था, झाला जालिम सिंह कहा जाता है। मासून के नेतृत्व की, मासून के नेतृत्व वाली, नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को, अंग्रेज सेना को, अंग्रेज सेना को कोटा में प्रवेश करने से रोक देता है। कोटा में प्रवेश करने से रोक देता है, प्रवेश करने से रोक देता है। अंग्रेजी मासून के नेतृत्व वाली जो सेना थी, कहा जाता है के बाद 26 दिसंबर 1817 को, 26 दिसंबर 1817 को, 20 दिसंबर 1817 को टेक्निकल इश्यू है कुछ, एक बार दोस्तों देखिएगा, टेक्निकल इश्यू आ गया था। उमेद सिंह के बारे में चर्चाएं कर रहे थे, और उमेद सिंह के बारे में क्या चर्चाएं कर रहे थे ध्यान से देखना। तो अंग्रेज अधिकारी मासून के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को जो है कौन रोक देता है, झाला जालिम सिंह कोटा में प्रवेश करने रोक देता है। रोक देने के पश्चात क्या करता है, 26 दिसंबर, दिसंबर 1817 कब की बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, 20 दिसंबर 1817 को कोटा रियासत, कोटा रियासत ने अंग्रेजों से, अंग्रेजों से सहायक संधि, सहायक संधि की भी, सहायक संधि की और कई सारी शर्तें जो इनके ऊपर थोप दी गई थी और थोपी जाती थी प्यारे दोस्तों। जालिम ने मार्च 1818 में दो प्रकार की शर्तें थी जो मैंने बता दी आपको प्यारे दोस्तों। अब इसके बाद उमेद सिंह के बाद जो नेक्स्ट शासक बनता है प्यारे दोस्तों, कौन बनता है, महाराव किशोर सिंह, कौन बनता है, महाराव किशोर सिंह सेकंड, महाराव, महाराव किशोर सिंह सेकंड शासक बनता, महाराव किशोर सिंह सेकंड शासक बनता है। और महाराव जो किशोर सिंह है का जो शासन काल माना जाता है प्यारे दोस्तों, वो माना जाता है 1819 से लेकर 1827 तक। कहां तक रहता है ये, 1819 से लेकर 1827 तक इसका काल। इसके शासन काल में ज्यादा विशेष जानकारियां नहीं मिलती, फिर भी देखते हैं प्यारे दोस्तों। इसके समय फौजदार व दीवान का
पद झाला जालिम सिंह के हाथ में था। इसकी बात करें प्यारे दोस्तों, इसके समय फौजदार व दीवान का पद झाला जालिम सिंह के पास था। यह फौजदार भी यही था और दीवान भी यही था। कहा जाता है कि महत्वपूर्ण पदों पर सुशोभित था। कुछ समय बाद भाई क्या होता है, झाला जालिम सिंह ने अपने पुत्र झाला माधो सिंह को कोटा का फौजदार नियुक्त कर दिया और स्वयं पाटन चले गए। क्या कुछ समय पश्चात कहा जाता है कि अपने पुत्र माधो सिंह को क्या कोटा का दीवान नियुक्त कर स्वयं कहाँ चले गए, पाटन चले गए। और झाला जालिम सिंह किशोर सिंह ने अंग्रेज सरकार से जुड़ी गुप्त शर्तें हटवा दी और गुप्त शर्तों को हटवाने का प्रयास किया परंतु ये असफल। क्या रहे, ध्यान रखिएगा, कुछ समय पश्चात झाला जालिम सिंह अपने पुत्र झाला माधो सिंह को कोटा का दीवान नियुक्त कर या फौजदार कोटा का फौजदार नियुक्त कर स्वयं पाटन चले गए। स्वयं पाटन चले गए। क्या ने कुछ गुप्त शर्तें थी अंग्रेजों की, उनको हटाने का प्रयास किया लेकिन ये असफल रहा। कौन असफल रहा? किशोर सिंह असफल रहा और किशोर सिंह असफल हो। कहा जाता है प्यारे दोस्त, झाला जालिम सिंह की जो मृत्यु है 1823 के आसपास हो जाती है। झाला जालिम सिंह कब हो जाती है, 1823 में हो जाती है। झाला जालिम सिंह की मृत्यु झाला जालिम सिंह की मृत्यु मृत्यु 1823 में कब हो जाती है भाई, 1823 में इसकी मृत्यु हो जाती है। जब झाला जालिम सिंह की मृत्यु हो गई और 1827 में की बात करें, 1827 में और 1827 में किसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, किशोर सिंह की मृत्यु हो जाती है। 1827 में किशोर सिंह की मृत्यु हो जाती है। 1827 में जाने के पश्चात जो शासक बन जाता है राम सिंह से, कौन बनता है, राम सिंह सेकंड बनता है। राम सिंह सेकंड बनने के पश्चात 1800 यहाँ पर कोटा का शासक कौन बन जाता है, महाराव राम सिंह कौन बन जाता है, महाराव राव सिंह सेकंड बन जाता है। राव सिंह सेकंड बनता है 1827 में। कब रहता है भाई, 1827 में शासक बनता है और 1865 तक रहता है। कहाँ तक रहता है, 1827 से लेकर 1865 तक, कौन, महाराव राम सिंह सेकंड। और महाराव राम सिंह सेकंड के समय कहा जाता है कि झाला माधो सिंह की मृत्यु हुई थी 1833 में। इसी के शासनकाल में झाला माधो सिंह की मृत्यु है। इसके बाद इसका पुत्र झाला मदन सिंह कोटा का फौजदार बनता है। कौन बनता है, इसका कोटा का जो फौजदार था कौन था इस समय, देखिए कोटा का जो फौजदार था कौन था, फौजदार कोटा का फौजदार कौन था भाई,
झाला माधो सिंह कौन था, झाला माधो सिंह था, कौन था, झाला माधो सिंह था। और झाला माधो सिंह की मृत्यु हो जाती है, इसकी मृत्यु कब हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है 1833 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र का पुत्र क्या नाम था, झाला मदन सिंह, कौन, झाला मदन सिंह, कौन प्यारे दोस्तों, झाला मदन सिंह क्या बनता है, कोटा का फौजदार बनता है, क्या बनता है, कोटा का फौजदार बनता है, वो क्या बनता है, फौजदार बनता है, बना। इसके बाद झाला माधो सिंह के बाद, यानी कि झाला जालिम सिंह के बाद, तो झाला माधो सिंह बना, झाला माधो सिंह के पश्चात कौन, झाला मदन सिंह फौजदार नियुक्त होता है, कहां का, कोटा का। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, तो ये पूछ लिया जाता है कई बार। झाला जालिम सिंह, झाला मदन सिंह और राम सिंह द्वितीय के बीच अनबन हो गई। अनबन हो जाने के पश्चात कंपनी सरकार ने कोटा को 17 परगने अलग कर झाला मदन सिंह को देकर नई रियासत झालावाड़ बना, कौन सी, इन दोनों में क्या हो जाती, अनबन हो जाती, कोटा का फौजदार मदन सिंह और आपका जो शासक है प्यारे दोस्तों आपका राम सिंह सेखंड, इन दोनों के बीच में क्या होती है, अनबन हो जाती है। और अनबन हो जाने के पश्चात क्या कंडीशन होती है, इसी के समय कहा जाता है कि जो मदन सिंह है वो 17 कोटा से 17 परगने अलग करके, कितने, 17 परगने अलग किए जाते हैं और अलग करके किसको, मदन सिंह को दे दिए जाते, मदन सिंह को दे दिए गए और कहा जाता है कि एक नई रियासत बना दी गई जिसे झालावाड़ कहा, झालावाड़ कहा गया, झाला मदन सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई या अंग्रेजों के द्वारा स्थापना की गई थी, इसके नाम पर उसका नाम झालावाड़ रखा। रूप से ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, तो राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड व झाला मदन सिंह के बीच, झाला मदन सिंह के बीच बीच कुछ अनबन हो जाती है, कुछ अनबन अनबन हो जाती है, क्या हो जाती है भाई, कुछ अनबन हो जाती, अनबन हो जाने के बाद, अनबन के कारण, अनबन के कारण अंग्रेजों ने कोटा से 17 परगने अलग कर झाला मदन सिंह को दे दिए, झाला मदन सिंह को दिए और झालावाड़ रियासत की स्थापना की, और झालावाड़ रियासत की स्थापना की, रियासत की स्थापना की, स्थापना की किसकी स्थापना की भाई, कोटा रियासत से अलग करके लगभग 1838 के आसपास, जबकि बात करें प्यारे दोस्तों कोटा रियासत को लगभग 1838 के आसपास, ठीक है, और झालावाड़ रियासत बना दी गई 1818 में, ठीक है। झालावाड़ रियासत बना देने के पश्चात इसकी राजधानी झालरापाटन को बनाया, इसकी राजधानी झालावाड़ रियासत की राजधानी किसको बनाया गया, झालरापाटन को प्रसिद्ध बनाया गया। और कहा जाता है कि एक रियासत, रियासत की स्थापना तो कर दी गई, रियासत की स्थापना कर देने के पश्चात अब कहा जाता है कि इसकी स्थापना, इसका पूर्व नाम पाटन था, क्या नाम था, झालरा जो पाटन थी उसका नाम पाटन हुआ करता, तो इसकी रियासत राजधानी को बनाया भाई, राजधानी झालरा पाटन को बनाया गया, तो झालरा पाटन को बनाया,
पाटन बनाया, ठीक है। इसका प्राचीन नाम थालरा पाटन का प्राचीन नाम, प्राचीन नाम पाटन था, क्या था? पाटन, क्या नाम था इसका? प्राचीन नाम पाटन हुआ करता था, और इसको कहा जाता है राजधानी बनाकर इसका नाम क्या कर दिया गया? थालरा पाटन कर दिया गया, और कहा जाता है इसका पाटन नाम हुआ करता। तो ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों, इसका झालावाड़ की बात करें, किसकी बात करें? झालावाड़ की बात करें भाई, झालावाड़। और झालावाड़ की बात करें तो प्यारे दोस्तों, झालावाड़ जो रियासत है की बात करें, झालावाड़ रियासत का प्रथम स्वतंत्र शासक स्वतंत्र शासक कौन बना भाई? मदन सिंह। कौन बना? झाला मदन सिंह को बनाया गया, तो मदन सिंह बना का प्रथम स्वतंत्र शासक कहां का? झालावाड़ का प्रथम स्वतंत्र शासक झाला मदन सिंह बना, और कहा जाता है प्यारे दोस्तों यहां पर झालावाड़ की स्थापना हो जाती है। किससे अलग करके हो जाती है भाई? झालावाड़ कोटा से अलग करके नई रियासत बना दिया जाता है। नई रियासत बना देने के पश्चात कंडीशन क्या होती है कि ये मदन राम सिंह के सेकंड के सामने, चलिएगा नेक्स्ट बात करें। तो बात करते हैं राम सिंह सेकंड के समय, आपको पता है प्यारे दोस्तों राम सिंह सेकंड जो कोटा का शासक था, इसी के समय 1857 की क्रांति हुई, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज, अर्थात राजस्थान में या भारत में 1857 की क्रांति जो हुई थी वो किसके टाइम पर हुई थी? राम सिंह सेकंड के काल में हुई, किसके काल में हुई थी? राम सिंह सेकंड के समय भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम संग्राम या 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति हुई, ठीक है। और कहा जाता है कि यहां पर भी क्रांति हुई थी जिसे जन विद्रोह कहा जाता है, और 1857 की क्रांति के दौरान इसे राम सिंह सेकंड को कहां पर कैद कर दिया था? कोटा के दुर्ग में कैद कर दिया था, बंदी बना दिया गया था। और यहां पर 15 अक्टूबर 1857 को विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1857 को विद्रोह हुआ था जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में हुआ था। जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व यहां पर विद्रोह हुआ, और यहां का जो कैप्टन बटन था वो मौत के घाट उतार दिया, के दो पुत्र थे वो मौत के घाट उतार दिया, डॉक्टर सैडलर कांटम को मौत कर घाट उतार दिया गया। जयदयाल मेहराब खां ने इसका नेतृत्व किया। के साथ बात करें फ्रैंक और आर्थर मेजर बटन के क्या हुआ करते थे प्यारे दोस्तों? दोनों पुत्र थे, और इस तरीके से कहा जाता है कि बाद में इस विद्रोह को दबाने का कार्य रॉबर्ट्स के द्वारा किया जाता है, और रॉबर्ट्स के द्वारा इस विद्रोह को दबाया जाता है। यहाँ पर कोई छावनी वगैरह नहीं थी, लेकिन कहा जाता है यहाँ पर क्या हुई? जन विद्रोह हुआ। क्या? जनता ने लोगों का सहयोग किया। एक वकील था और एक फौजदार हुआ करता था भाई, तो रिसालदार हुआ करता था, दोनों ने मिलकर यहाँ पर विद्रोह किया। कहाँ पर? कोटा का, और जनता ने इसका सहयोग किया, इस कारण इसे जन विद्रोह भी कहा गया था। 1857 की क्रांति कहाँ का? कोटा का विद्रोह। चलेगा नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये राम सिंह सेकंड के टाइम पे कौन सा विद्रोह होता है? यहाँ पर 1857 की क्रांति का विद्रोह होता है प्यारे दोस्तों।
ठीक है। तो मुख्य मुख्य इतिहास यही तक माना जाता है भाई कोटा का ज्यादातर, और बाकी का कार्य। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्लास में जो। जय हिंद, जय भारत।